नमस्कार, मैं हूं दिनेश दीक्षित। अर्थप्रकाश टीवी आज लेकर आ रहा है आपके साथ में एक खास रिपोर्ट श्रीनगर से, जम्मू एंड कश्मीर से। आज हम खड़े हैं श्रीनगर की वादियों में। मेरे पीछे जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं वो है विश्व प्रसिद्ध डल झील का। सुबह का ये नज़ारा है और आज जो सुबह आप देखें कि धूप खिली हुई है। श्रीनगर जो कि जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, विश्व प्रसिद्ध है ये पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग तरह की, जिस तरह की जो हम देखते हैं, जो आप कहें कि चाहे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हों या और भी पर्यटन स्थल हों, चाहे फिर वो चश्मेशाही हो या ट्यूलिप गार्डन हो। उसके अलावा अभी हम जहाँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ खड़ा हूँ अभी, आप देख सकते हैं, जो हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन इधर दिखाएं, यह जो व्यू है ये पहाड़ी है विश्व प्रसिद्ध आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर की, जो कि भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है। गोपाद्री पहाड़ी पर ये स्थित शिव मंदिर है जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी और तब से यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। मेरे ठीक पीछे, जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन ने दिखाया, उधर यहाँ आप देखेंगे तो डल झील और उसके नीचे वहाँ पर उसके साथ ही लगती हुई जो रोड, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना काल ने यहाँ पर भी इस खूबसूरत वादी को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर पसरा ये सन्नाटा आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये इस वक्त का वो सफ़र है, वो समय है कि जब यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, पर्यटक यहाँ पर आए होते थे। यह वो समय है जब यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती थी, पर्यटक यहाँ पैदल चलते होते थे। शिकारा आप देखें तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट आपको देखे जा सकते हैं, लेकिन वो शिकारा खाली पड़े हैं आज। फिर चाहे उसका कारण हो, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में जो विडंबना हुई, वो सबसे बड़ी विडंबना यह हुई कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। इसका स्पेशल दर्जा राज्य का हटा के इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लाया जाता है। इसके साथ ही लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तकरीबन महीनों का यहाँ पर लॉकडाउन केवल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लगाया गया। भारी संख्या में सिक्योरिटी बल यहाँ पर तैनात किया गया कि किसी भी तरह की अनहोनी को यहाँ पर टाला जा सके। कश्मीर वासी अपने घरों में कैद होकर रह गए क्योंकि धारा 370 हटाई गई थी और केंद्र सरकार और जो सरकार है यहाँ की, जो लोकल सरकार है, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो, कोई घटना हो, और इसी के चलते यहाँ पे कई महीनों तक लॉकडाउन रहा। हमारे साथ इसके लिए उपस्थित हैं बात करने के लिए इफ्तिखार साहब, जो कि यहीं श्रीनगर से हैं, लोकल रेजिडेंट हैं। इफ्तिखार साहब, जो 370 हटी और जो आज के हालात हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका? 370 व्यस्त हो गया कि यहाँ हर गई, क्योंकि उन्होंने अपने खजाना बनाया था अपने फायदे के लिए, और जो 370 हट गई तो उससे हमें थोड़ी सी चिराग नज़र आ रही है कि बहुत की मोदी जी तो बहुत आगे हमारी पहचान कर रही है कि भाई हाँ हम किसी जगह पहुँच जाएँ, मगर जो उन्होंने किया था वो तो आज तक हमें नजर नहीं। बार बार विरोध किया जा रहा था इफ्तिखार साहब की इस चीज़ को कि यह 370 अगर हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ की आवाम बिल्कुल नहीं चाहती थी 370 हटे उनको, क्योंकि हमारे एक सोच में थे वो कि उनको, उन्होंने एक जहन में हमें डाला था कि भाई ये 370 हट गया तो अब मर जाओगे, कि यहाँ वो प्रसिद्धि हो जाएगी कि हिंदू मुस्लिम उठ जाएगा, मगर वो इतना नहीं है कि यहाँ हर एक सोच है कि एजुकेशन हमारी सबसे बड़ी है कि हमारी जो यूथ है वो बहुत सोच समझ के चल रहे हैं आजकल। तो आपका ये मानना है कि 370 हटने के बाद में अब जो है वादी में खुशहाली फिर से लौटेगी? यस सर। जो इतने सालों से जो हालात थे यहाँ पे, जिस तरह से एक साये में जी रहे थे, डर के साये में यहाँ की आवाम जी रही थी,
तो 370 हटने के बाद में अभी करीब एक साल सवा साल से ऊपर का समय हुआ, तो कुछ चेंजेस आपको नजर आते हैं? बहुत सर, डेवलपमेंट नजर आया? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, बहुत आ रहे हैं। अब है कि आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगा, हम इकट्ठा तो हम बोलेंगे कि इकट्ठा ये हो जाएगा, मगर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं सर। पहले 370 का लॉकडाउन और अब उसके बाद में आप कोरोना काल के कारण यहां पे बंद, थोड़ा सा ये तो पर्यटन थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब हुआ कि कोरोना की वजह से और 370 की वजह से हमारी यहाँ एजुकेशन थोड़ी सी लॉस हुई है। एजुकेशन बहुत हमारी पीछे चली गई कि हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी एक झटका लगा है कि एजुकेशन का, क्योंकि पूरा एक साल हो गया उनको घर में बैठे हुए, एजुकेशन लॉस हुई है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ लोकल यहाँ के जो निवासी, उन्हें अब क्या आशाएं हैं? अब जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो उन्हें क्या आशाएं हैं अब सरकार से? वो चाहते हैं कि ये, हाँ, ये हो जाए, कि वो उम्मीद है, क्योंकि जो हम मोदी जी का कहना है कि भाई यहाँ ये हो जाएगा, ये उनकी उम्मीद है उनके ऊपर कि ये परिस्थिति यहाँ पे हो जाए और नया चिराग जल जाए, बाकी ये खुशहाली हो जाए। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, आपका नाम? अब्जर्वेशन शाह। शाह साहब, 370 हटी, लॉकडाउन लग गया, बंद हो गया सब कुछ, कहा गया कि यहाँ पे अमन चैन के लिए हम इसे बंद कर रहे हैं क्योंकि 370 को हटाया गया है, तो आप क्या काम करते हैं? शिकारा चल, आप शिकारा चलाते हैं। तो जो ये अब लॉकडाउन हुआ था, तो ये किस तरह से बिजनेस पे किस तरह की मार पड़ी है? बिल्कुल गरीब मार हो गया, कुछ नहीं, चाहे शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, टैक्सी ड्राइवर, आम लोग बगैर जो सरकारी कर्मचारी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आम लोगों को, चाहे दुकानदार है, चाहे होटल वाला हूँ, चाहे हाउस बोट वाला, मैं शिकारा वाला, सब बिल्कुल खत्म। कहाँ से 370 तक लाग आज तक बिल्कुल यहाँ से। सरकार ने किया कि हमारे साथ वादा, 1,000 रुपये दिए, महीने 3 महीने को 3,000, अभी वो भी पूरा सब लोगों को नहीं पहुँचा। उसके बाद ऊपर वाला की कह रहा है कोरोना, मेरी बिल्कुल फटकी है। ये पहले जब मैं पैदाइश हो गया, पैदाइश तब तक आज मैंने कार्य का पूरा हाउस बोट होटल तमाम पूरा ठप हो गया, जाके ऊपर वाला के हाथ में, इससे आगे क्या हो जाएगा। तो अभी जो पर्यटन, अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, तो अभी पर्यटक, ये तो देखा जा रहा है, जैसे हम भी देख पा रहे हैं कि पर्यटक बिल्कुल नहीं है, तो पहले स्थिति क्या होती थी इसको लेकर इन्हीं दिनों में? क्या हो, कुछ नहीं, इधर आज कुछ नहीं, अभी इधर है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है, वो पता नहीं, वो कोई ज़्यादा घूमता भी नहीं है, छोटे से थोड़ा वो बाग बाग गार्डन भी बांधे सब अभी है। पहले आप एक दिन में कितना कमा लेते थे? कम से कम जिनको हम 3,000 तक कमाते हैं। और अभी? अभी कुछ नहीं, 100-200 भी लोगों को घूमता है शिकारा में, वो कभी कभी मिलता है 100-200, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। अभी सोचा सरकार और कुछ अलग करे, अब तो कुछ नहीं। नई सरकार ने अभी कहा कि हम यहाँ के रहने वालों के लिए नई बजट, नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, उनको आगे कारगर होंगी, तो कुछ आपको दिखा? मैं अभी कुछ नहीं देखा, खाली ये मैं बताएगा 1,000-1,000 रुपये बोला छोड़ेगा, किसी को पहुँचा किसी को नहीं बोला, 3 महीने, 3 ही महीने के लिए 3,000 छोड़ा, बस बस शिकार। ये एक देखने वाली बात है, ये एक ना विडम्बना है कहीं ना कहीं, कि सरकार दावे बेशक करती है, लेकिन जो धरातल पर स्थिति होती है, हम जब जब मिलते हैं, बात करते हैं, हमने बात पहले भी, हमने जब रिपोर्टिंग की है, तो हमने ये देखा है इस चीज़ पे कि सरकार की पॉलिसीज को लेकर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पर हमेशा सवाल या निशान आता है, जहाँ पे कहा जाता है कि दावे बेशक किए जाते हैं कि हमने इतनी एड दे दी है लोकल रहने वालों को या जनता के बीच में, लेकिन जब दावों की पड़ताल ग्राउंड पर की जाती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति उलट नज़र आती है। मेरे ठीक पीछे, जैसा कि मैंने बताया कि ये शिकारा का काम करते थे, इसी शिकारा में पर्यटक बैठ के वहाँ पे उन हाउस बोट की तरफ जाते थे, वहाँ पे बकायदा रेजिडेंट्स ही रहते हैं जो, लेकिन उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे बाज़ार हैं जहाँ पे पर्यटक जाकर लकड़ी की नक्काशी और पश्मीना शॉल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की एक साइनिंग कहा जा सकता है कि हर पर्यटक उसे लेकर ही जाएगा पश्मीना शॉल को, वहाँ पे हाथ से कारीगरी होती है महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, और खानदान के खानदान वहाँ पे इन कामों में प्रयासरत हैं। आज तक पीछे से पीढ़ियों दर पीढ़ी ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन हालात आज ये हैं कि उनके पास में पर्यटक और बायर ना होने के कारण आज भुखमरी की स्थिति आई हुई है। यह देखना होगा सरकार को कि इस खूबसूरत वादी में फिर से किस तरह से इस अमन चयन के साथ साथ इस खुशहाली को फिर से लाया जाए। लेकिन यह भी बात और है कि क्योंकि केवल एक साल हुआ है, और इसी एक साल के दौरान सरकार भी बदली, एडमिनिस्ट्रेशन नया आया,
और फिर उसके बाद लग गया कोरोना का यह है काल, जिसके चलते लगा लॉकडाउन। अब चूंकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, हिदायतों के साथ में शहरों को धीरे धीरे खोला जा रहा है और श्रीनगर में भी इस तरह की अब आवाजाही स्टार्ट हुई है। देखना यह होगा कि अब जिन पॉलिसीज के तहत दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर फिर से खुशहाली लौटेगी और यहाँ के बाशिंदों को फिर से उनका रोजगार और पर्यटन में जो बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है वो फिर से पुरजोर काम आएगी, यह आने वाला समय ही तय करेगा। खूबसूरत डल लेक, ठंडा पानी, अक्टूबर मिड में हम आज बैठे हैं और पानी पूरी तरह से ठंडा है। इस वक्त तापमान तकरीबन यहाँ पर अभी 14 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस पे है, जो कि अभी अगर उत्तर भारत के अलग शहरों में जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली देखें तो वो 24-25 तक अभी या 30 तक ही जा रहा है, लेकिन कश्मीर की इस वादी में 15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर तक इस वक्त है। डल लेक खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त कहें कि कोरोना काल ले लें जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पूरी तरह से बंद था, मशीनरी बिल्कुल ठप था काम, इसीलिए आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से अब ये कचरा और ये जंगली घास आप देखेंगे ये पानी में तैरती है नज़र आ रही है, ये इस तरह से ये देखिए ये काई लगी हुई घास है ये नीचे तक। कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन ये 30 से 40 फीट तक नीचे है। आप वहाँ देख सकते हैं कि अब जिस तरह से लॉकडाउन खुला है तो वहाँ पर सफाई के लिए जो ये जंगली घास हटाने के लिए मशीन काम कर रही है बेशक, लेकिन बावजूद आप देखें तो ये है इस खूबसूरत डल झील का नज़ारा और ये साफ बयां कर रहा है कि जो कोरोना के हालात देश में थे कश्मीर भी और बल्कि मैं कहूँगा कि डल झील भी इससे अछूती नहीं रही है। हालात ये हैं कि इस वक्त हम पानी में कम और जंगली घास के ऊपर आप देखें जो हम इस वक्त अभी हम बोट में बैठे हैं, शिकारा है ये और ये अभी आप मेरे पीछे देखें तो पहाड़ों की वादियां हैं, उस तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे नज़ारा जो है उन पेड़ों के पीछे ट्यूलिप गार्डन है जहाँ पे अप्रैल महीने में ट्यूलिप के फूल आते हैं और पर्यटक पूरी तरह से उमड़ पड़ता है उन फूलों की खूबसूरती देखने के लिए। उसके साथ ही ऊपर चलते हुए परी महल है, वो भी एक बहुत अच्छा गार्डन कहा जाता है, उसके साथ चश्मेशाही है। ये ऐसे रमणीक स्थल हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर में पर्यटक को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन चूंकि अब कोरोना काल का लॉकडाउन खुलने के बाद आने वाले समय में सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, हो सकता है कि पर्यटक अब इधर की तरफ लालायित होगा, अब इधर दौड़ेगा, लेकिन जो हालात अभी इस वक्त बयां कर रहे हैं श्रीनगर के, अगर आप देखें मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो हालात अभी इस वक्त हैं, ये जो जंगली घास है और जो गंदगी इस वक्त इस डल झील को जो एक तरह से मैं कहूँगा कलंकित कर रही है, इसके लिए प्रशासन को थोड़ी मुस्तैदी दिखानी होगी। यह बात और है कि मशीनें चल रही हैं, प्रशासन जो है कवायद कर रहा है कि इस सफाई को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए और पर्यटकों के लिए एक रेड कार्पेट वेलकम किया जाए। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर पर्यटक आकर किस तरह का फील करता है, क्योंकि अभी जो हालात का जायज़ा है वो बहुत ही मायूस है, चारों तरफ मायूसी है, क्योंकि यह जो वादी है ये पर्यटकों से शराब हो रहने वाली वादी है। यहाँ की जो आबो हवा है इसमें पर्यटक की खुशियाँ जब तक नहीं महकेंगी, जब तक चहलकदमी पर्यटक की नहीं महकेगी, यहाँ का बाशिंदा भी खुश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ की आवाम बहुत हद तक पर्यटकों के ऊपर डिपेंड करती है, फिर वो चाहे नक्काशी का काम हो, फिर चाहे यहाँ पर बोट का काम हो। अब समय बताएगा कि किस तरह से हम लोग इसको आगे देखेंगे और पर्यटक कैसा यहाँ आके फील करेगा। सालों से यहाँ पे रह रहे हैं अपने परिवार के साथ और ये कहना है कि 370 हटने के बाद में ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ पे आवाम दुखी हो, या जिस तरह की खिलाफत कही जा रही थी कि जम्मू कश्मीर से अगर ये धारा हटाई जाती है तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, वादी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बात करने पर पता लगता है जो कि यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये जो फैसला है आने वाले समय में वादी को फिर से उतना ही हरा भरा और खुशहाल बनाने में प्रयासरत रहेगा, ऐसा कहना है हमारे साथ यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं। हम आपको फिर से बता दें एक बार कि लेकिन जो हालात हैं
आज की परिदृश्य में हम जब घूम रहे हैं, प्रकाश की टीम, हम लोगों ने जब इसका मुआयना किया, श्रीनगर की गलियों में हम घूमे, तो फिर चाहे वो चश्मे शाही जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, फिर चाहे ट्यूलिप गार्डन जैसी जगह है, हालांकि अभी वहाँ पे फूल नहीं उगते हैं, बावजूद डल लेक में या इन दिनों में पर्यटकों का आना जाना हमेशा रहता था। यह एक भारत का ऐसा सदाबहार पर्यटन स्थल है जहाँ पर कभी भी पर्यटक जो कि आने से नहीं रुकता है, मैं आपको बता चलूँ, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियाँ हों, चाहे नवंबर दिसंबर अक्टूबर में यहाँ पे बर्फीली वादियों का मज़ा लेने के लिए पर्यटक उमड़ पड़ते हों, फिर वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, वहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड के रूप में पहलगाम को जाना जाता है, यहाँ पे कहवा पीने तक पर्यटक दूर दूर से आते हैं। लेकिन अभी हालात ये हैं कि फिर 370 की धारा हटने के बाद का लॉकडाउन हो, और चाहे दुर्भाग्य से कोरोना काल के कारण देश दुनिया और फिर जम्मू कश्मीर सभी का लॉकडाउन हुआ हो, कश्मीरियों के लिए यह चिंताग्रस्त विषय है। आज की डेट में रोज़गार के अवसरों का बहुत बड़ा इसमें एक जो है डेंट लगा है यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए। शिक्षा को लेकर जिस तरह के नए, जैसा कि हमने बात करी यहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स से, शिक्षा को लेकर भी अभी उनकी नई आस है कि केंद्र सरकार अपनी नई नीतियों के तहत यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएगी और ख़ासकर पर्यटन उद्योग को एक नए तौर पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह वादी अधिकतर जो डिपेंड करती है वो पर्यटन उद्योग के ऊपर करती है। दिनेश दीक्षित, अर्थप्रकाश टीवी, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।